हेलो हेलो इसने जी परेश भाई। ने अलहमदुल्ला जी फरमाइए जी। हाँ यूसुफ भाई, वो आपने कहा ना कि देवबंदियों के पीछे नमाज हो जाती है। देखिए इस मामले में दो तरह की राय है। अच्छा, दो तरह की राय है। दो तरह की राय है दोनों जरा राय को फतवा तो नहीं बोल सकते ना भाई। नहीं, वो तो अभी आप बता रहे हो ना कि राय है, तो आप बोल रहे हो ना कि आप राय बता रहे हो ना। सुने मेरी बात, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। जैसा कि आपने कहा कि इसमें दो तरह की राय है, ये आपका मानना है कि वो राय है ना। तो आप मुझे बताइए, पहली राय क्या है कि हो सकती है नहीं हो सकती, और वो राय किसकी है? आम जो राय है ना। अच्छा, ये किसने दी आम राय जो है, ये किसने दी है? ये उलमा इकराम है जिनके नाम है। अच्छा, अब उसका तो फहरिस्त लंबी है ना। तो उन्होंने सिर्फ ये राय दी है, अपनी तरफ से कहा है, मतलब कुरान और हदीस से इसका कोई लेना देना नहीं, ऐसा? नहीं, देखिए बात कुरान और हदीस की जब आती है ना, तो वो मुनाजरा होता है। वो नहीं, मुनाजरा तो नहीं, सामने बैठ कर किया जाता है ना। अच्छा, मुनाजरा मतलब आपका कहने का मतलब ये कि आमने सामने बैठ कर किया जाता है, ये आपको किसने कहा? नहीं, ये तो मुनाजरे की तो दलील हुई है। नहीं, क्या मतलब किसी ने तो कहा होगा आपको, किसी ने तो बताया होगा किसी? देखिए किसी ने बताया तो अच्छा, आप हंसे क्यों? मैंने हंसी की तो बात नहीं की, मैंने तो ये कहा कि भाई आप ये कह रहे हैं कि मुनाजरा जो है आमने सामने बैठकर किया जाता है, तो ये बात आपको किसी ने बोली होगी ना? बिल्कुल बोली है, मैंने है। अब वो मुझे समझाने की अच्छा ना ही जरूरत है। देखिए, आपने अगर से मुझसे राय लेनी है या मुझसे गुफ्तगु करनी है? नहीं, मुझे आपसे गुफ्तगु करनी है। आपका मौके चाहूंगा ना। सुने, आप जो चाहेंगे वो कैसा होगी? उसूल से बात होगी ना प्यारे भाई। भाई आप ये क्या चीज है, आप जैसा चाहोगे वैसा बात होगी? ऐसा थोड़ी होता है। आपके उसूल आपके मुख्तलिफ है, मेरे उसूल मुख्तलिफ है, मेरा जहन मुख्तलिफ है, आपका जहन मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ हो सकता है, उसूल तो मुख्तलिफ नहीं हो सकते ना। अब आप ये कहते हैं, देखिए सुने मेरी बात, आप ये कहते हैं कि देवबंदी बरेलियों के पीछे नमाज हो जाती है। अब आप उसमें ये कहते हैं कि दो राय सुने, आप सुन ले मेरी मुकम्मल बात सुने। यूसुफ भाई मेरी मुकम्मल बात सुनिए, मैं आपकी सुनूंगा, मैं मेरी बात तो मुकम्मल होने दीजिए। आप जरूरी ऑडियो लंबी कर रहे हैं भाई, लोग सुनेंगे तो फायदा नहीं होगा। भाई सुनेंगे इंशाल्लाह, आप बेफिक्र रहे हैं, बहुत सुनेंगे। इतनी लंबी ऑडियो फालतू बात ना करें ना, आप मेरी बात को मुकम्मल होने दें, फिर बात आप अपनी बात क्या है, आप लंबी क्यों कर रहे हैं? आप मेरी बात को मुकम्मल होने दें, फिर आप बात करें। इस वक्त आपने जो सवाल किया था, जिस वक्त मैं होटल के अंदर था, मैं वक्त नहीं दे पा रहा था, तो उस वक्त आपने कहा कि अहनाफ के पीछे नमाज होगी कि नहीं होगी, ये कहा था ना आपने। बरेलवी, देवबंदी और दूसरे तीसरों का नाम नहीं लिया था, तो अहनाफ में नहीं आया। आपके कहने का मतलब ये है अहनाफ के पीछे नमाज होगी, मतलब आपका कहने का मतलब ये अहनाफ में नहीं आता। तो मैंने उसके जवाब में कहा कि दो तरह की राय है। चलो राय पेश करें, चलो राय। पहली राय ये है कि आम जो बंदा होता है जिसके अंदर उसको शिर्क नहीं पाया जाता है, तो उसके ऊपर नमाज उसके पीछे हो जाती है, कोई मसला नहीं। ये राय एक आलिम में लिखी है, नाम रसूल नहीं है, मेरे पास किताब में लिखे हुए हैं वो सारी सारी हुज्जत जो है मेरे पास मौजूद है। तो ये राय है मतलब आपका कहने का मतलब। दूसरी बात ये है, तुम बोलने नहीं दे रहे हो। कुछ बंदे जो है तुम बोलने नहीं दे रहे हो, बात महसूस करते हैं। सुने मेरी बात, मेरी बात मुकम्मल होने के बाद जवाब दे रहे हैं, कोई मसला नहीं यार। कहना आदमी मेरी बात मुकम्मल होने के बाद जवाब दे रहे हैं। अरे क्या अजीब आदमी है, बोलता बात लंबी हो जाएगी, ये मुख्तसर बात करो, मैं बात कर रहा था तो पीछे रोक दिया। भाई तुम्हारी सुन रहे तो उसका जवाब दो, बात तो करो। अब मैं उन लोगों जिसको तुम राय कह रहे हो, जिसको तुम राय कह रहे हो, तो अजीब से मजबूर है। अलवियों के खाजियों के पीछे अपना निकाह किया और पूरी जिंदगी गुजारी, उनका निकाह तो हो गया, अगर उनके पीछे नमाज नहीं हुई। अच्छा, उनके मतलब बाप मरे, उनके बाप का जनाजा हनफी ने पढ़ाया, तो आप ये क्या बात कर रहे हो? और नमाज जनाजा भी हो गई। किसी हनफी ने किसी मुसलमान का निकाह पढ़ाया तो क्या उसका निकाह बात? तो निकाह पढ़ाने के अंदर, निकाह पढ़ाने के अंदर अगर उसमें सुन, हाँ,
पहले हासिल होगा किस वजह से वो बातिल होगा निकाल नहीं नहीं आप पहले हासिल हो मैंने कहा कि वो बातिल होगा जैसे आप हंसे में कुछ बोला भाई भाई जब आप मुझे बोलने नहीं दोगे तो मैं हंसूंगा नहीं तो क्या करूंगा यार अपनी बड़बड़ चालू करे जा रहे हो आप मुझे बोलने ही नहीं दे रहे हो और मैं आपसे भाई देखिए आप आपने अपनी बात कही आपने अपनी बात कही ऐसा नहीं होता है यार बात मेरी भी सुनो अपनी भी कहो फिर वही अब मेरी बात सुनोगे कि नहीं सुनोगे मैं सुना हूँ ना हाँ तो अब आपने कहा कि भाई एक राय ये है कि हनफियों के पीछे नमाज हो जाती है और ये आम राय कि उसकी उसका जो गुनाह है वो उसके साथ में है तो मतलब आप हनफियों को बिदअत ही मानते हो ऐसा देखिए हाँ देखिए बिदअत और ये जो दूसरे तीसरे किस्म के जो गुनाह के इल्जाम हैं भाई साहब जो आपने राय पेश की है आंखों से नहीं देखेंगे सुने मेरी बात अरे मेरी बात फिर बड़बड़ जितना पूछना उसका जवाब दो मुझे बात करनी है वजात मुझे करनी है तो आप ये बताइए भाई आप मुझे ये बताइए कि आप हनफियों को जो है बिदअती मानते हो ऐसा देखिए बिदअती किसको क्यों मानेंगे तो आपने अभी जो राय पेश की है मुझे मैंने उसके अंदर अरे सुनो तो सही भाई सुन तो लो आपने जो अभी राय फिर वही मतलब मैं नहीं बोला मतलब मैं नहीं बोला ये अरे भाई सुनो मेरी बात हाथ लगाने से वो भी टूट जाता है अरे मेरे भाई उसका इंकार करके फिर नहीं टूटता मेरी बात सुने आपने कहा कि भाई जो बिदत कर रहा है ठीक है उसके पीछे अगर कोई नमाज पढ़ता है तो उसकी नमाज हो जाती है उसका गुना उसके ऊपर है ठीक है तो आप यार फिर बीच में बोल रहे हो बात बिदत वाले मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ यार मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए अरे तो पागल आदमी में मोदी से हर बात थोड़ी कर रहे हो आपसे तीन बार मुतालबा कर चुका हूँ कि हनफियों को बिदती मानते हो आप जवाब हनफियों को मैं नहीं मानता सारे हनफियों को मैं नहीं मानता अच्छा कौन से हनफियों को मानते हो जो बिदत करेगा उसको मानूंगा ना तो भाई कौन से हनफी बिदत करते हैं तुम कौन हो मैं हनफियों का भगवान मैं हनफियों का भगवान आप भगवान बनो या किसी बनो अच्छा यूसुफ भाई बात ये है कि वहदतुल वजूद का जो अकीदा रखता है आप उसको जो है बिदती मानते हो ऐसा अरे यार मैं कहता हूँ ना 90% जो आम जो बंदे है ना आना में इनको वहदतुल वजूद ही नहीं पता अच्छा चले ठीक है जाने दो नहीं मतलब चलो ठीक है इसको भी जाने दे अब ये ना बोलो भाई इससे फिर बोल रहे हैं यार अब मेरी सुनो जो लोग अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ नमाज पढ़े उनके पीछे नमाज हो जाती है मतलब कहने का आपका ये देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के पीछे सुन्नत को छोड़कर अगर नमाज पढ़ रहे हैं उनके पीछे नमाज वो सुन्नत समझ के तो पढ़ रहे हैं ना कौन सुन्नत समझ के पढ़ रहा है वो जो पढ़ रहे हैं अरे तुम्हें तो मालूम है ना कि अल्लाह के रसूल का इंकार ही है मुझे तुम्हें तो मालूम है रफायदेन अल्लाह के रसूल ने कोई नमाज बिना रफायदेन के नहीं पढ़ी है तुम्हें तो ये मालूम है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिना सूरह फातिहा के नमाज नहीं पढ़ते थे तुम्हें मालूम है ना तुम्हें मालूम है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म देते थे कि सब बंदी करो ये बात तुम्हें मालूम है ना तुम्हें मालूम है फिर भी तुम मुखालिफिन के पीछे जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की सुन्नत को तर्क कर रहा है और दावा ये कर रहा है कि वो अहले सुन्नत है और वो मुसलमान है यार तुम गड़बड़ कर रहे हो उससे अनजान है भाई उससे अनजान है अरे तो तुम तो जान मतलब तुम जान बूझ कर बचपन से रहा था जान बूझ कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसको नमाज है कि सुनो मेरी बात जैसे तुम्हारी नमाज है बचपन से यही सुना निकाह करवाया होगा उसके अच्छे है ना नहीं हमारा निकाह क्या हमारे बाप दादा का भी निकाह कराया हाँ ठीक है तुम्हारे बाप दादा का निकाह भी अरे सुनो ना अरे मेरी बात सुनो ना भाई मेरी बात सुनो अब निकाह करा दिया निकाह हो गया ठीक है निकाह हो गया अब बताइए आप तलाक अगर होगी तो जैसे तुम्हारी नमाज उनके पीछे कबूल हो रही है तो हलाला भी उन्हीं के तरीके से करोगे नहीं हम तो तलाक देंगे नहीं ना हम तो दूसरी करके लाएंगे अच्छा तलाक नहीं दोगे अच्छा तलाक क्यों नहीं अच्छा एक मिनट करो तलाक नहीं दोगे तुम्हें मालूम है हनफियों में तलाक का तरीका क्या है देखिए तलाक का मसला अलग है नहीं नहीं मैं पूछ रहा हूँ तुम्हारा मसला अलग है मैं तुम्हारे से तलाक
जो तुमने सुनो यूसुफ भाई, यूसुफ भाई सुन तो लो भाई, यूसुफ भाई बात तुमने कही थी उसके पीछे नमाज वहाँ तो तुम फेल हो गए, वहाँ तो तुम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों के पीछे नमाज पढ़ रहे हो। दुश्मन अल्लाह के रसूल, अल्लाह के रसूल की बात का इंकार करने वाला कौन है? अल्लाह के रसूल की बात से इंकार करने वाला कौन है? अच्छा तुम नमाज नमाज आलिम के पीछे पढ़ते हो, जाहिल के पीछे पढ़ते हो? हनफियों के आलिम के पीछे पढ़ते हो, जाहिल के पीछे पढ़ते हो? जो उसको मालूम नहीं है अल्लाह का रसूल क्या है? अपने घर का पता लो भाई, अभी तुम्हारे घर के अंदर पता है क्या हो रहा होगा भाई? इसकी जबर पड़ी जा रही होगी, समझे? जरा ध्यान दो, तुम्हारे घर के अंदर सही बता रहा हूँ आपको, घर में क्या पड़ी जाती है? हाँ, अपने घर में ध्यान दो, मेरे घर में आओगे तो आगे फोड़ डालूंगा। नहीं हाँ, मेरे घर में आओगे तुम्हारा जैसा अकीदा है ना, उस अकीदे के मुताबिक बता रहा हूँ। तुम्हारी अम्मा बहन है भाई, जबर पड़ के जानवर भी इस्तेमाल कर रही हूँ, ऐसा भी हो सकता है? वहाँ ध्यान दो, मेरे घर तक मत आओ। ये गैर जरूरी बातें, ये नहीं गैर जरूरी नहीं है। आपने एक चीज बताई और उसमें आप फेल हो गए। आप नबी के दुश्मनों के पीछे नमाज पढ़ते हो और आप कहते हो कि 90% लोगों को मालूम नहीं है, तो मैं ये कहता हूँ आपसे कि 90% लोगों को चलो नहीं मालूम है, लेकिन जिसके पीछे आप नमाज पढ़ रहे हो वो तो आलिम है या जाहिल है? वो क्या है उसको भी नहीं पता ना। अरे भाई वो आलिम है या नहीं पहले ये बताओ। ये आलिम है तो उसको आलिम की कैरेक्टर वाले अच्छा तो उसने उसने हदीस भी वो बात नहीं बोला है। बिना हदीस रसूल के सुनो ना मेरे बात, मेरी बात मुकल्लिद है। अरे मेरी बात सुनो भाई, मेरी बात सुनो, धर्म जो मजहब, अरे मेरी बात सुनो भाई, इमाम की तकलीफ। अरे मेरी बात तो सुन लो, इमाम जो कह दिया। अरे मेरी बात तो इमाम की भी नहीं मानते हो, तुम्हें कुछ नहीं मालूम है। हनफी पलीद गलीज दयूस इंसान ऐसा है, वो किसी की नहीं मानता, न इमाम की न अल्लाह की न अल्लाह के रसूल की। और सुनो ना, मानता अपने बाप की थे कि माल की थे? हनफी जो है ना अपने बाप की मानता। अब बात ये है कि ये यूसुफ भाई जो है ये कह रहे हैं कि भाई हनफियों को 90% लोगों को मालूम नहीं है कि वालदुल वजूद क्या है, सुन्नत क्या है। अब मेरे अंदर सवाल था कि भाई तुम जो है नमाज पढ़ते हो आलिम के पीछे, और आलिम अगर वो मना है तो उसने हदीस रसूल पढ़ी कि नहीं पढ़ी? हाँ क्या हुआ? बिना हदीस रसूल पढ़े, बिना हदीस रसूल पढ़े आलिम मना हो? बिना हदीस रसूल पढ़े आलिम मना हो? मेरे अब्बू हनफियों के बाप थे, मेरे अब्बू तो खाने के हनफी हुए। बच्चों से बात करो ना भाई, ये तुम कितने बड़े मुकल्लिद हो यार, मतलब मुखालिफिन मुखालिफिन का मुकल्लिद कौन है कौन नहीं है तो लगा है ना। मेरे घर पे काम करने की कोशिश कर रहे हो मेरे? अरे भाई मुखालिफिन का दिमाग करने के लिए हनफी पलीद गलीज दयूस लोग जो होते हैं वो इस उम्मत के सबसे गलीज तरीन पलीद लोग हैं। तुम्हें मालूम है तुम हराम में कौन कौन है? ये सब नहीं मालूम है? हराम में कादियानी भी आते हैं, तुम्हें मालूम है? कादियाना नहीं आता। तुम्हारा जो मौलवी है वो जो है ना तुमको सही नहीं समझाया। अच्छा मेरा मौलवी कौन है? नहीं दी जाती। अरे भाई, तुम्हारे को दावत नहीं दे रहा हूँ, तुम्हारे उसूल बता रहे थे मुनाज़ा की बात कर रहे थे, तुम्हारी इस्लाह नहीं कर रहा हूँ मैं, क्या तुमसे बहस कर रहा हूँ? इस्लाह मैं उससे करता हूँ जो बात समझने वाला हो। तुम समझने वाले थोड़ी हो, तुम तो बहस कर रहे हो। तुम मेरे भाई तुम बहस कर रहे हो ना, तुमसे तुम्हारी इस्लाह नहीं कर रहा हूँ मैं भाई। इस्लाह उसकी होती है जो जिसके दिल में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत हो। अब तुम्हारे दिल में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत नहीं है, तुम अल्लाह के रसूल के सुन्नत के खिलाफ जो नमाज पढ़ रहे हो उनके पीछे नमाज पढ़ लेते हो, और सब लोगों को बोलते हो कि भाई नमाज हो जाती है। अब तुमसे दलील मांगी तो दलील तुम्हारी राय है? पहले तुम हो मजहूल, और राय तुमने उसको राय बनाया। तुम हो मजहूल, तुम मजहूल हो, मजहूल किसको कैसे मालूम है? अरे पागल मजहूल को कोई जानता नहीं जाहिल। हाँ तुम तो मजहूल हो, मुझे कोई जानता नहीं, पहचानता नहीं। मजहूल तू हुआ, मुझे तो लाखों लोग क्या जानते हैं, मुझे तो लाखों लोग क्या जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रख, कौन पागल कहेगा जाहिल? देवबंदियों के नमाज पढ़ेगा, इसकी नमाज है। तुम अपना पता नहीं बता।